सो आफ्टर द नाइट्रोजन साइकिल जो फर्स्ट स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन साइकिल का कंसर्न तो ये रहता है कि हम कौन से किस ऑर्गेनिज्म से किस दूसरे ऑर्गेनिज्म में एबायोटिक फैक्टर्स में नाइट्रोजन ट्रेवल करती है. तो सबसे पहला जो सीक्वेंस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल हो पाती है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसलिए करना पड़ता है बिकॉज डाई नाइट्रोजन फॉर्म इज नॉट फ्रीली अवेलेबल. अब हर एक ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन तो चाहिए हार्मोन्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, बट फ्रीली अवेलेबल नहीं है. सो दैट शुड बी फिक्स्ड. तो इस डाई नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है सो दैट इट कैन रीच अप टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स तक, एनिमल्स तक ये डाई नाइट्रोजन पहुंच सके. इसके लिए उसको फिक्स करना पड़ता है. तो डाई नाइट्रोजन को N2 फॉर्म को अदर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में चेंज करना, अदर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स लाइक अमोनिया मेनली मेजर, नाइट्राइट माइनर एंड नाइट्रेट माइनर, इन इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में चेंज करना वो कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये इसलिए करना पड़ता है ताकि नाइट्रोजन अवेलेबल हो सके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. And this process, the nitrogen fixation could be natural as well as artificially. हम artificially यानी man-made techniques के through भी atmosphere से nitrogen निकाल कर उसको हम inorganic form में change करके animals को provide कर सकते हैं, या naturally भी अपने आप भी कुदरती तौर पर भी nitrogen fix होकर आती रहती है किसके पास, organisms के पास. Natural जो होता है वो biotic भी हो सकता है और abiotic भी. जो मेजर क्लास है वो है बायोटिक नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करें, वो नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया के फॉर्म में चेंज करें, वो बायोलॉजिकल. उसके अलावा नेचुरल में एबायोटिक है, जैसे थंडरस्टॉर्म के टाइम पर, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में एक्टिविटी होने की वजह से, लाइक लाइटनिंग होने की वजह से बिजली चमकती है, तो वो नाइट्रोजन को तोड़कर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराती है और एसिड्स बनाकर फाइनली अर्थ पर पहुंचा देती है नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक फॉर्म में, पढ़ेंगे ये भी अभी हम. और आर्टिफिशियल में इंडस्ट्रियल होता है, केमिकल प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, हैबर बॉश प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, उसके थ्रू डाई नाइट्रोजन को यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंडेंस कराकर अमोनिया बना लिया जाता है. तो दोनों तरह के प्रोसेस है, नेचुरल भी आर्टिफिशियल भी. पहले हम नेचुरल में एबायोटिक यानी थंडरस्टॉर्म वाला डिस्कस करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंपली क्या है, दैट शुड बी क्लियर टू यू, दैट we have to provide that atmospheric dinitrogen which is highly inert and bounded with the three covalent bonds that is not freely available to the living organism. So the various processes that break down that atmospheric nitrogen in the usable inorganic forms, ye bhi inorganic form hai aur ye usable forms hai, isme change karna nitrogen fixation kehlata hai. So very firstly I will discuss the natural thunderstorm nitrogen fixation. ये एबायोटिक प्रोसेस है, यहाँ बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ अपने आप एबायोटिक फैक्टर यानी कि थंडरस्टॉर्म, बारिश, पानी, ये सब इन्वॉल्व है. तो होता क्या है, थंडरस्टॉर्म या तूफान के टाइम पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइटनिंग एंड थंडर, ठीक है, बिजली या तूफान की वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है N2 उसके बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, जो बहुत स्टेबल थी, जो रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, वो रिएक्टिव बनती है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है. तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाती है. वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाती है, हो सकता है ये भी जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ये फर्दर कुछ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना ले. ठीक है, तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, नाइट्रोजन भी अवेलेबल है. पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप मिक्स नहीं हो पाते थे, क्योंकि कोई ऐसे कंडीशन प्रेजेंट नहीं थे, एक्सट्रीम कंडीशन, जो जबरदस्ती नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करें. बट थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग के टाइम पर जब बिजली गिरती है तूफान के समय, तो वो बिजली नाइट्रोजन को रिएक्टिव बनाती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए. तो इस तरह से बनते हैं नाइट्रस ऑक्साइड्स, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये फिर फाइनली रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बिजली के टाइम पर बारिश भी है, तो फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे.
वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो N2O भी रिएक्ट कर सकता है, NO भी रिएक्ट कर सकता है। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एसिड्स बनाते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलकर एसिड्स बना रहे हैं, नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड। अब ये बन गए ऊपर ही एटमॉस्फेयर में, अब ये प्रेसिपिटेशन रेन के साथ बारिश की फॉर्म में आते हैं नीचे, एसिडिटी है स्लाइटली रेन के अंदर, तो ये जब नीचे आएंगे तो ये आएंगे अर्थ पर और सॉइल में, सॉइल में आ गए दोनों एसिड HNO2 और HNO3। अब देखिए यहां पर होता है इनका डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब आयोनिक फॉर्म्स में डिसोसिएट हो गए, तो प्रोटॉन्स और एनायोनिक फॉर्म नाइट्राइट, प्रोटॉन्स और एनायोनिक फॉर्म नाइट्रेट। देखिए आयन एक्सचेंज आपने पढ़ा हुआ है, स्टोमेटल थ्योरी में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जब पोटेशियम प्रोटॉन्स के साथ एक्सचेंज होते थे, तो ये प्रोटॉन्स एक्सचेंज हो जाएंगे पोटेशियम या कैल्शियम के साथ, ठीक है, यानी इनका डिसोसिएशन इसलिए होता है कि अल्कली मेटल्स या अल्कलीज के साथ जो है आयन एक्सचेंज कर सके। एनायन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो एनायन फ्री हो गए, मिट्टी में आकर ये एनायन नाइट्राइट और नाइट्रेट फ्री हो गए। नाइट्राइट अल्टीमेटली चेंज होता रहेगा नाइट्रेट में ही, आपको याद होता नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया नाइट्राइट में चेंज होता था, नाइट्रेट नाइट्रेट में, तो ये चेंज होता रहेगा, बैक्टीरिया इसको चेंज करते रहेंगे और फाइनली फिर जो नाइट्रेट मिट्टी में वो प्लांट्स को अवेलेबल होता रहेगा। तो इस तरह से देख लीजिए दोनों फॉर्म सॉइल के अंदर आ गई और नाइट्रोजन चली कहां से, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को बिजली चमकने के टाइम पर या तूफान के टाइम पर कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सारी भी नहीं तोड़ देते, सारी तोड़ देंगे तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड से भर जाएगा और हम मर जाएंगे। तो कुछ नाइट्रोजन को तोड़ा जाता है, वो नाइट्रस ऑक्साइड्स बनाते हैं, फिर वो वाटर के साथ एसिड बनाते हैं जो हार्मफुल है, ठीक है। जब वो सॉइल में आ जाते हैं डिसोसिएट होने के बाद, ये भी टॉक्सिक है, नाइट्राइट या नाइट्रेट अगर आप खाते हैं तो टॉक्सिक फॉर्म से ही है, इनऑर्गेनिक फॉर्म, हम कभी भी नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं लेते। हमें तो नाइट्रोजन अल्टीमेटली किस फॉर्म में मिलती है, प्रोटीन्स की फॉर्म में, पका पकाया मिलता है हमें, वी आर हेटरोट्रॉप्स। तो इस नाइट्रोजन को अभी हम यूज नहीं कर सकते, मान लीजिए मैं मेरी एक सेल से दूसरी सेल बन रही है तो उसमें नाइट्रोजन N2 फॉर्म में नहीं जा रही, उसमें नाइट्रोजन नाइट्राइट अमोनिया या नाइट्रेट की फॉर्म में नहीं जा रही, एक सेल से दूसरी सेल में नाइट्रोजन मेरी में जा रही है ऑर्गेनिक फॉर्म्स में। तो इनमें से चारों में से कोई भी ऑर्गेनिक फॉर्म नहीं है, ये सारे ही जो फॉर्म है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है, तो ये सारे टॉक्सिक है हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरह से थंडरस्टॉर्म के टाइम पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फाइनली पहले नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है, फिर एसिड बनाती है, वो जमीन पर आते हैं, वो डिसोसिएट होते हैं, आयन एक्सचेंज करते हैं और ये फ्री होकर नाइट्राइट या नाइट्रेट बन जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अमोनिया नहीं बनी, यहाँ नाइट्राइट बना और नाइट्रेट बनी, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन चेंजेस इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। दिस इज वन टाइप ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज नेचुरल एंड दैट इज एबायोटिक। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल या केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आर्टिफिशियल है, इंडस्ट्रियल या केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए साइंटिस्ट थे हैबर और बॉस, ऑफ कोर्स उन्होंने डिस्कवर किया था एक प्रोसेस कि केमिकली भी हम आर्टिफिशियली भी इंसान है टेक्नोलॉजी का यूज करें तो वो डाई नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर सकता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है हैबर बॉस प्रोसेस। बट ये काम होता है एक्सट्रीम कंडीशंस पे है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि डायरेक्ट हाइड्रोजन नाइट्रोजन अपने आप मिल जाए एटमॉस्फेयर में तो अपने आप अमोनिया बनती रहती, बारिश होती है अमोनिया की, तो इसके लिए एक्सट्रीम कंडीशंस अचीव करने पड़ते हैं तब जाकर दोनों कंडेंस हो पाती हैं। सिंपली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंडेंस करना है 1:3 में, NH3 है, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन का एटम या मॉलिक्यूल, सॉरी मॉलिक्यूल तो अमोनिया रहेगा, एटम जो लेते हैं 3 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के लेते हैं, तो इन ये दोनों रिएक्ट हो सके। देखिए कोई भी जब रिएक्शन होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना सके तो ये रिएक्शन जब कैरी आउट होगी तो उसकी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो ये रिएक्शन अचीव करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हायर है। अब आप जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को दो तरीके से लोअर किया जा सकता है, या तो एंजाइम डालकर या एक्सट्रीम कंडीशंस देकर। तो यहाँ एंजाइम यूज नहीं किए जाते, यहाँ कंडीशंस ऐसी दी जाती हैं कि रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको अचीव कर सके दोनों एटम। तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होते हैं, देखिए टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है दोनों एलिमेंट्स पर, नाइट्रोजन पर भी हाइड्रोजन पर भी, ठीक है। और 3:1 में इनको मिक्स किया जाता है, 3:1 नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के लिए 1:3। तो ये कंडेंस होकर अमोनिया बना लेती है फाइनली, ये जो अमोनिया बनती है ये केमिकली बनी है। तो इस तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखिए नाइट्रोजन से अमोनिया बनना
ये बायोलॉजिकल भी होता है बट यहाँ केमिकल है और आर्टिफिशियल है, इसको बोलते हैं हैबर-बॉश प्रोसेस। तो फिर इस अमोनिया को फर्टिलाइजर्स या यूरिया वगैरह में यूज कर लिया जाता है या कुछ मेटल कैटलिस्ट में बनाने के लिए इसको यूज कर लिया जाता है। तो इस तरह का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कहलाता है हैबर-बॉश प्रोसेस या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि आर्टिफिशियल था। हार्डली 5% नाइट्रोजन ऐसे ही प्रोवाइड की जाती है। मेनली जो एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं, जो खेत होते हैं, उनमें यूरिया या फर्टिलाइजर जो हम डालते हैं उनमें जो नाइट्रोजन आई है वो इस प्रोसेस से आई है। तो 5% हार्डली थंडरस्टॉर्म से, 5% हैबर-बॉश प्रोसेस से, बची हुई 90% नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, सारी की सारी नाइट्रोजन फिक्स नहीं की जाती 78% जो एटमॉस्फेयर में, लेकिन जितनी भी नाइट्रोजन फिक्स की जा रही है उसका 10% इन दो मेथड से किया जाता है। जितनी भी नाइट्रोजन फिक्स होती है उसका बचा हुआ पार्ट यानी उसका 90% पार्ट थर्ड थिंग दैट इज BNF, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको यहाँ ब्रीफ में हम पढ़ लेते हैं, डिटेल में तो हमने ये पढ़ना ही है, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना। तो देखिए अमोनिया प्रिफरेबल सोर्स है, हैबर-बॉश प्रोसेस से भी अमोनिया बनी और यहाँ भी अमोनिया, तो अमोनिया तो टोटल 95% बनती है सॉइल के अंदर, जबकि नाइट्राइट या नाइट्रेट बहुत कम बनते हैं। फिर खुद अमोनिया नाइट्रेट में चेंज हो जाती है तब प्लांट में जाती है, तो चेंज होकर नाइट्रेट बनता है, अदरवाइज ज्यादा तो अमोनिया ही बनती है। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करते हैं और मेनली बैक्टीरिया, तो क्योंकि बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, ना कोई बिजली ना कोई केमिकल प्रोसेस, अपने आप नेचुरल तौर पर कुदरती तौर पर बैक्टीरिया इसको फिक्स कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं मिट्टी में अकेले भी, और वो किसी के साथ सिम्बायोसिस एसोसिएशन में भी रह सकते हैं। मेजर जो क्लास है वो फ्री लिविंग की है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, देखिए उनको कहते हैं डाई एजोट्रॉप्स, डाई एजोट्रॉप्स या नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। और इसीलिए इस प्रोसेस को कभी कभी डाई एजोट्रॉपी भी कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को, क्योंकि करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम डाई एजोट्रॉप्स कहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म मेजरली फ्री लिविंग होते हैं और बहुत कम माइनरली सिम्बायोटिक भी होते हैं। दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म, चाहे किसी के साथ रहे चाहे अकेले रहे, उनके अंदर एक चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं, और वो चीज है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इसको डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम भी कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि ये दो सब यूनिट से बना होता है। पढ़ेंगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अभी आप इतना जान लीजिए कि एक तो N2 से अमोनिया बनती है, दूसरा बैक्टीरिया करते हैं। अब बैक्टीरिया के पास कोई वरदान थोड़ी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास काम करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, तो वो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, जो एनएरोबिक कंडीशंस में, ऑक्सीजन एब्सेंट होनी चाहिए एनएरोबिक कंडीशंस में, और ऑक्सीजन एब्सेंट करने का काम खुद कर लेते हैं बैक्टीरिया मैनेजिंग। देखिए जो बैक्टीरिया है वो एनएरोबिक नहीं है, वो एरोबिक भी हो सकते हैं और एनएरोबिक, लेकिन काम जब करेंगे तो 100% एनएरोबिक कंडीशन में ही करेंगे, यानी ये प्रोसेस एनएरोबिक है। तो बैक्टीरिया चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहे चाहे मर जाए ऑक्सीजन के एब्सेंस में, लेकिन काम करने के लिए एनएरोबिक ही रहेगा। अगर आप सोचेंगे सर बैक्टीरिया तो एरोबिक है तो फिर वो जब काम करेगा तो एनएरोबिक बन जाएगा, तो वो तो मर जाना चाहिए। जब वो काम करता है तो एक कुछ स्पेशल पार्ट, ठीक है, केवल जो फिक्सेशन जहां पर हो रहा है वहीं पर एनएरोबिक कंडीशन होती है। बैक्टीरिया का अपना मेटाबॉलिज्म चलता रहता है एरोबिक केस में, उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, लेकिन जिस पार्ट से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है यानी नाइट्रोजिनेज एंजाइम, वहां लैग हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्पेंजर है, वो वहां से ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है, हटा देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता रहता है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में याद रखिएगा एंजाइम याद रखना है नाइट्रोजिनेज, डाई एजोट्रॉप्स इनको हम बोल सकते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं कुछ सिम्बायोटिक, ठीक है। दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ नाम भी पढ़ेंगे, जैसे एक दो बता देता हूँ। एजोटोबैक्टर याद रखिएगा, ये हमेशा फ्री लिविंग बैक्टीरिया और बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है। इसके अलावा आपका स्पाइरुलिना, ट्राइकोडेस्मियम, यीस्ट, पॉलिनेरिया, रोडोसोडोमोनास, मिथेनोकोकस, बहुत से बैक्टीरिया हैं, सारे पढ़ेंगे, अभी एक ही बता रहा हूँ। सिम्बायोटिक में मेनली याद रखिएगा राइजोबियम और फ्रेंकिया, ये एसोसिएटेड रहते हैं लेग्यूम प्लांट्स के साथ। राइजोबियम मेनली लेग्यूम प्लांट के साथ, फ्रेंकिया सीरियल्स के साथ भी हो सकता है, तो अदर प्लांट्स के साथ ये क्या होते हैं एसोसिएटेड। और इस तरह से तीनों तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और नेचुरल थंडरस्टॉर्म कंप्लीट होता है। सभी में डाई नाइट्रोजन चेंज हो जाती है तीन फॉर्म्स में, अमोनिया,
nitrite or nitrate. So that is all about the nitrogen fixation.